नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी ने किया कर्नाटक की जनता का अपमान, ऐश्वर्या राय के खिलाफ बयानबाजी पर भड़की बीजेपी। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन पर बयानबाजी करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा इसे कर्नाटक की जनता का अपमान करार दे रही है। साथ ही पार्टी इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुप्पी पर भी सवाल उठा रही है। राहुल ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ऐश्वर्या की मौजूदगी का जिक्र किया था, हालांकि अयोध्या में हुए कार्यक्रम में अभिनेत्री शामिल नहीं हुई थी। कर्नाटक भाजपा ने कहा कि भारत की जनता की तरफ से बार बार अस्वीकार किए जाने से परेशान राहुल गांधी भारत की शान ऐश्वर्या राय को नीचा दिखाने तक के स्तर पर गिर गए हैं। बगैर कोई भी उपलब्धि वाले चौथी पीढ़ी के वंशज अब ऐश्वर्या राय के खिलाफ बात करने लगे हैं, जिन्होंने पूरे गांधी परिवार से ज्यादा गौरव भारत को दिलाया है। भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर भी सवाल किए हैं और पूछा कि क्या वह इस पर कुछ बोलेंगे। भाजपा ने कहा कि सिद्धारमैया जी, जैसा कि आपके बॉस लगातार एक कन्नड़ नागरिक का अपमान कर रहे हैं, तो क्या आप कन्नड़ गौरव को बरकरार रखेंगे और ऐसे अपमान के खिलाफ कुछ बोलेंगे या अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए चुप्पी साधे रहेंगे? क्या था मामला? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यात्रा के दौरान राहुल ने कहा कि क्या आपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखा? क्या वहां एक भी ओबीसी चेहरा था? वहां अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी और नरेंद्र मोदी थी। उन्होंने कहा कि जो लोग देश की 73% आबादी हैं, कार्यक्रम के दौरान कहीं नहीं दिखे। भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि वे देश की कमान संभालें। कांग्रेस ने ठुकराया था समारोह का न्योता। 22 जनवरी को अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में फिल्म जगत, कारोबारी, खेल समेत कई क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। कांग्रेस को भी इस कार्यक्रम का न्योता दिया गया था, लेकिन पार्टी ने इसे अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन, इंडिया के कई बड़े दलों ने कार्यक्रम से दूरी बनाई थी। प्रियंका गांधी क्यों चुप हैं? भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि वह ऐश्वर्या राय बच्चन के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका चुप क्यों है? क्या वह भी शर्मिंदा है? अपनी सांसद के परिवार के खिलाफ हो रही बयानबाजी पर समाजवादी पार्टी क्यों कुछ नहीं कह रही है? जया बच्चन को सपा ने फिर राज्यसभा का टिकट दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।